नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ पहुंचे, जहां मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का उन्होंने तोहफा दिया है। सरधाना के स्लावा में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया। इससे पहले वो शहीद स्मारक में 1857 के अमर शहीद को नमन करते देखे गए। करीब 3 घंटे के कार्यक्रम में वो जनसभा को भी संबोधित करने पहुंचे। पीएमओ से जारी कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ दौरा करीब 3 घंटे का रहा और वो सुबह 11:30 बजे मेरठ में सेना के हेलीपैड से उतरे थे। यहां से सड़क मार्ग से वो अघरनाथ मंदिर और काली पलटन मंदिर में पूजा अर्चना करते देखे गए। राजधानी दिल्ली में कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जहां उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हालात से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। केजरीवाल खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया है कि दिल्ली में कोरोना के रोज करीब 2500 से 3000 मामले आ रहे हैं। अभी दिल्ली में कोरोना के 6360 एक्टिव केस हैं। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेल रही टीम इंडिया सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में शानदार जीत दर्ज करने के बाद 1-0 से आगे है। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी 2022 से जोहान्सबर्ग में द वॉन्डर स्टेडियम में खेला जाना है। ये मैदान भारत के लिए अब तक काफी भाग्यशाली साबित हुआ है और टीम इंडिया यहां अब तक एक भी टेस्ट नहीं हारी है। भारत के इस मैदान पर इतिहास रचने का मौका है। भारतीय टीम दूसरा टेस्ट जीतते ही दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीत लेगी। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए से 7 जारी करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में केंद्र ने बताया है कि मानदंडों के पुनर्मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने सुझाव दिया है कि मौजूदा मानदंडों को इस साल की काउंसलिंग और प्रवेश के लिए जारी रखा जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बताया कि 8 लाख रुपए तक की आय वर्ग वाले अभ्यर्थियों को नीट कोर्स में दाखिला देना चाहती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आज तेज हो गई है। सरकार सहित विपक्ष के नेता चुनाव प्रचार के लिए कमर कस चुके हैं। इसी बीच तेलंगाना सरकार ने उत्तर प्रदेश से आलू की खरीद पर रोक लगा दी है। इधर तेलंगाना सरकार ने यह कदम उठाया। उधर उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी इस फैसले को लेकर चर्चा में आ गए हैं। यह सब तब हुआ जब सूबे में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है और ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार करने आ चुके हैं। फिल्म RRR की टीम द कपिल शर्मा शो में रविवार के एपिसोड में देखी गई है। फिल्म के निर्देशक SS राजामौली के साथ जूनियर NTR आलिया भट्ट और रामचरण शो में मेहमान बनकर पहुंचेंगे। कपिल शर्मा के से लेकर के कृष्णा अभिषेक उनके साथ खूब मस्ती करते नजर आएंगे। शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें कृष्णा एंट्री करते हैं और उनके चेहरे के हाव भाव से ही वहां मौजूदा सभी लोगों की हंसी छूट जाती है। आगे कृष्णा जूनियर NTR से कहते हैं, जब आप 60 की उम्र पार कर जाएंगे तो आप ट्रेन और बस में मत बैठना, तो उधर तो 60 की उम्र के बाद छूट मिलता है लेकिन ये तो तब भी जूनियर ही रहेंगे। भारत में एक बार फिर से कोरोना मामलों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। साल के पहले दिन देश में 22,755 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए। बीते साल 26 दिसंबर से कोरोना के दैनिक मामलों में वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि महामारी की तीसरी लहर पहले ही आ चुकी है और अब ओमिक्रॉन ने डेल्टा वेरियंट की जगह लेना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों की माने तो फरवरी या मार्च महीने में कोरोना केस अपने चरम पर हो सकता है। उस वक्त दैनिक मामले 2 लाख के करीब तक हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक रविवार को देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 1525 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के नए मामलों को दर्ज किया गया है। मंत्रालय की माने तो ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए 560 लोग या तो स्वस्थ हो गए हैं या देश से चले गए हैं। ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में सामने आए हैं। कोरोना और इसका ओमिक्रॉन वेरिएंट 23 राज्यों में फैल चुका है। दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली सहित कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम फिर से शुरू करना पड़ा है। वहीं शिक्षण संस्थानों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रियासी जिले में KDM ने बताया है कि कोरोना मामले मिलने के बाद कटरा में मौजूद यूनिवर्सिटी के काकरयाल कैंपस को बंद कर दिया गया है। नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से आम नागरिकों की जान जाने के बाद से ही पूर्वोत्तर के राज्यों में अफ्सपा यानी कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को हटाए जाने की मांग ने फिर जोर पकड़ा है। हालांकि इसको लेकर बीते साल कोई फैसला नहीं हुआ लेकिन नए साल पर इसको हटाया जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने खुद ही ऐसे संकेत दिए हैं। दरअसल शर्मा ने शनिवार को बताया है कि अफ्सपा के बारे में इस साल कुछ सकारात्मक घटनाक्रम होने की उम्मीद की जा सकती है। अब शर्मा के इस बयान को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत में रविवार को कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए हैं और 284 और लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 9,249 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,22,801 हो गई है।
राजस्थान में सत्ता पक्ष और विपक्ष की खींचतान के बीच वरिष्ठ नेता और पूर्वी मंत्री चंद्र राज सिंह भी भावी मुख्यमंत्री के चेहरे की खोज में निकले हैं। राजस्थान के विविध शहरों में शहरी जनों और पेशेवर लोगों से मुलाकात करते हुए प्रवासी राजस्थानियों से मिलने गुजरात पहुंचे सिंह भी बताते हैं कि भाजपा नेता दिया कुमारी और कांग्रेस नेता सचिन पायलट लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। चयनकर्ताओं की समिति ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह को उपकप्तान चुना है। बीसीसीआई और चयनकर्ता के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए पूर्व चयनकर्ता सबा करीम ने कहा है कि बुमराह को किसी भी स्तर पर कप्तानी का अनुभव नहीं है। 19 जनवरी से शुरू होने वाले वनडे सीरीज के लिए ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को भी चुना गया है, जिनके पास कम से कम इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में कप्तानी का अनुभव तो है। पंजाब स्टेट टीईटी 2021 में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। पंजाब राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 24 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई पंजाब राज्य शिक्षण पात्रता परीक्षा 2021 यानी पीएसटीईटी 2021 के आंसर की जारी कर दिए हैं। परिषद द्वारा पीएसटीईटी आंसर की 2021 को आधिकारिक पोर्टल pstet.pscb.ac.in पर 30 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। इसके साथ ही पंजाब एसटीईआरटी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार जो उम्मीदवार पोर्टल पर दिए गए लिंक से पंजाब टीईटी 2021 आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। नए साल में ताइवान और तिब्बत को लेकर अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ सकता है। ताइवान और तिब्बत को लेकर एक शीत युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। नए वर्ष से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तिब्बत मामले के लिए भारतीय मूल की राजनयिक अजराजियो को अपना स्पेशल कोऑर्डिनेटर नियुक्त करके चीन को उकसा दिया है। अमेरिका के इस कदम से चीन पूरी तरह से तिलमिलाया है। देश में कोरोना महामारी एक बार फिर से सिर उठा रही है। इसके साथ ही देश में इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक देश के अधिकतर राज्यों में इसके मामले सामने आ चुके हैं। इसके संक्रमण की रफ्तार अन्य वेरिएंट के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसको देखते हुए टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है। इसके साथ ही 15 से 18 साल के आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। अब बारी है वैक्सीन लगाने की, जो 3 जनवरी से होगी। पाकिस्तान में महंगाई एक बार फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गई है। इसकी वजह से लोगों को अपना रोजमर्रा के खर्चे को भी करने में भी काफी परेशानी हो रही है। आलम यह है कि देश में सभी जरूरी चीजें जैसे खाने पीने के सामान की कीमत काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा समय में देश में महंगाई की दर 11.5% से बढ़कर 12.3% हो गई है, जो बीते 21 महीने में सबसे अधिक है। PBS ने अपना ताजा आंकड़े को 1 जनवरी 2022 को ही साझा किया है। विश्व वेटलैंड पोंग झील प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो रही है। अब तक पोंग झील में 90 प्रजातियों के करीब 1,00,000 पक्षी पहुंच चुके हैं। सर्दी के मौसम में इन प्रवासी पक्षियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। बड़ी बात यह है कि पोंग झील के रेंसर टापू में इस बार लेजर वाइट फ्रंटेड गीज और ग्रेटर वाइट फ्रंट गीज नामक दुर्लभ प्रजाति के साइबेरियन पक्षियों ने दूसरी बार अपनी आमद दर्ज करवाई है। ये दोनों ही प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है। भारतीय स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। भज्जी ने 23 साल के अपने करियर में टीम इंडिया को कई शानदार जीत दिलाई है। वहीं साल 2011 में विश्व चैंपियन बनी टीम इंडिया का भी हिस्सा रहे हैं। हालांकि साल 2015 के बाद से वो टीम में वापसी नहीं कर पाए। संन्यास लेने के बाद अब हरभजन सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि उनकी टीम के बाहर होने के पीछे BCCI अधिकारी और महेंद्र सिंह धोनी थे। मध्य प्रदेश में जारी ओबीसी आरक्षण से जुड़े आंदोलन में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने ट्वीट कर बताया है कि पुलिस एयरपोर्ट पर पहले से ही चंद्रशेखर का इंतजार कर रही थी और उन्हें बाहर आते ही हिरासत में ले लिया गया। उधर ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत उफान पर है, जिसके बाद भोपाल से आने वाली ट्रेनों और बसों को पुलिस चेक कर रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सामने ही उनके सुरक्षाकर्मियों के द्वारा नर्सों के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। प्रदर्शनकारी नर्सों ने अमृतसर के उनके निवास के बाहर प्रदर्शन करने के दौरान ये आरोप लगाया। ये घटना 1 जनवरी की है। नर्सों का कहना है कि जब वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू से बात करने की कोशिश कर रही थी, तभी उनके सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा जगत की सेंसेशन कही जाती है। उन्होंने जब से भोजपुरी में अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी, तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा है। उन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी एक्टिंग से भोजपुरी दर्शकों को कायल बनाया है। आम्रपाली ने नए साल पर ही अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपनी दिवंगत नानी के साथ नजर आ रही है। इसके उन्होंने नानी के लिए एक प्यारा सा नोट भी लिखा है। लेकिन इस तस्वीर में फैंस ने आम्रपाली की मांग में सिंदूर देखकर हैरानी जताई और ये फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। 3 जनवरी से ब्रिटेन से कोलकाता आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद राज्य में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बंगाल में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इसमें 16 एक्टिव केस है, जबकि 4 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच राज्य के मंत्री अरुण विश्वास कोरोना संक्रमित होकर
अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। इस बीच बंगाल सरकार आंशिक लॉकडाउन के संबंध में सोमवार को घोषणा कर सकती है। सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 9 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह 1,11,012.63 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक लाभ में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HDFC बैंक रहे। सप्ताह के दौरान सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन नीचे आया। बीते सप्ताह BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,129.51 अंक या फिर 1.97% के फायदे में रहा। समीक्षाधीन सप्ताह में TCS का बाजार पूंजीकरण 24,635.68 करोड़ रुपए के उछाल से 13,82,280.01 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सरसों की उपलब्धता घटने के बीच बीते सप्ताह देश के प्रमुख तेल तिलहन बाजारों में सरसों तेल तिलहन के अलावा बेपर्दा कारोबार से कच्चे पाम तेल के भाव सुधार का रुख रहा है, लेकिन आयात शुल्क मूल्य में कमी सहित राज्य सरकार के विभिन्न उपायों की वजह से बाकी तेल तिलहनों के भाव में गिरावट आई है। बाजार सूत्रों ने कहा है कि सरकार द्वारा तेल तिलहनों के भाव की तेजी पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिसमें अधिकांश तेल तिलहनों के भाव थोड़े नरम पड़े हैं, लेकिन सरसों की उपलब्धता काफी कम रह गई है, जिससे सरसों में सुधार आया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक नई उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चली आ रही तकरार अब विराम लग सकता है। लगता है कि दोनों के बीच जारी विवाद अब जल्द ही खत्म हो सकता है। सीएम चन्नी ने कहा है कि वो कांग्रेस पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ काम करने और पार्टी के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार है। चन्नी की इस टिप्पणी के बाद चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नई उम्मीद जागी है। अमेरिकी दबाव को धत्ता बताते हुए भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का करार रद्द नहीं किया था। इसकी पहली खेप भारत को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिसंबर दौरे पर भारत आने से पहले ही सुपुर्द कर दी गई थी। भारतीय वायुसेना की तरफ से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल रक्षा प्रणालियों की पंजाब में एक एयरबेस पर तैनाती फरवरी तक पूरी होने की संभावना है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मिसाइल प्रणाली की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आपने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग कर रखी है तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने पहले बैच की सभी स्कूटर को प्लांट से रवाना कर दिया है। इस बात की जानकारी ओला इलेक्ट्रिक के CEO भावेश अग्रवाल ने दी है। ट्वीट में भावेश ने लिखा है कि जहां कुछ स्कूटर ट्रांजिट में है तो वहीं दूसरे फिलहाल RTO रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में गुजर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में S1 और S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना वायरस के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। दिल्ली महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए कई राज्यों ने पहले ही सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस बीच तेलंगाना सरकार ने कहा है कि मास्क नहीं पहनने पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति भवन का भ्रमण और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय शनिवार से बंद कर दिया गया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 15 और स्थानों के नामांकन का बचाव करते हुए दावा किया है कि तिब्बत का दक्षिणी भाग प्राचीन काल से चीनी क्षेत्र का हिस्सा है। भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नाम बदलने के कदम पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा है कि यह राज्य हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि गढ़े गए नामों से तथ्य नहीं बदलेगा। चीनी अक्षर तिब्बती और रोमन वर्णमाला के नामों की घोषणा की है, जिसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, इनके नाम है रश्मि कुमारी, A2Z मैथ्स, प्रदीप आनंद, पूजा कुमारी ऑफिशियल, रंजन कुमार, सुशील NSD, विकास कुमार, जितेंद्र ठाकुर, ओम प्रकाश 1234, नुन्नू कुमार, संतोष यादव, विजय कुमार, शिव कुमार, रुद्र प्रताप प्रजापति, शंभू यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना को नियंत्रित करने में केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।